咱们这次留下信息怎么的？你说这个那个。明白了。嗯。我比不是给他不信，而我就相信你啥？没有啥你还给你个东西。我讲了，就给下去给你给你，好吧？不，还是给你不得。बिल्कुल क्योंकि शादी बच्चों की होगी माँ बाप की नहीं अच्छा तो हमने गलत किया है तुम्हें शहर बनाने के लिए भेजा आज हमने अपना आप खुद ही खो दिया अरे नहीं बाबूजी आप गलत समझ रहे हैं पढ़ाई का मतलब ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं पढ़ाई का मतलब ये है कि इंसान अपने को और अच्छे इंसान को बुरे इंसान को समझ सके अब तो क्या वो अनपढ़ और बगैर पढ़े लिखी लड़कियाँ नजर नहीं होती क्या क्या वो बोलना नहीं जानती जो चुपचाप अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर लेती हैं अभी बात अच्छी तरह सोच लो समझ लो नहीं बाबू जी मैं शादी करूंगी तो उसी से नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी तो ठीक है इसका मतलब यह होगा तुम अपनी पसंद से ही शादी करोगी जी मैं अपनी पसंद से ही शादी करूंगी तो ठीक है तुम उस लड़के से हमारी मुलाकात करो ठीक है बाबू जी मैं कल ही उससे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आ गए आपने बुलाया था और तो बोलता ही मैं ही बाबूजी को बुलाती हूँ बाबूजी बाबूजी देखिए कौन है अस्सलाम क्या नाम है ये पुलिस नवाब बहरान कैसे क्या काम करते हो स्टेज प्रोग्राम देखा है स्टेज प्रोग्राम किस तरह के प्रोग्राम ये गाने बजाते हैं अच्छा गाना गाते हो यानी गवई आओ जी इसमें कितना कमा लेते हो सर दाल रोटी चल जाती है दाल रोटी से तो जिंदगी नहीं गुजरती पर खुदा जिंदगी और भी बहुत से खर्चे होते हैं वो सब कैसे पूरा करते हो अल्लाह ताला सब उसी में पूरे करा देगा घर में आते कितने लोग हैं अकेले ही हूँ बंदर के इंतजाम ये भी बेहतर है कि तुम अकेले हो वरना इस महंगाई के ज़माने में तुम उन लोगों का पेट भरते ही अपना पेट भरते देखिए मेरे हालात ऐसे नहीं हैं जैसा आप समझ रहे हैं अच्छे कपड़े पहन लेने से आदमी अमीर नहीं बन जाता बेटे अमीर और गरीब लफ्ज़ को उसका चेहरा बता देता है जा कहाँ है वो तो चला गया क्यों बगैर चाय पिए ही आपने क्या कुछ कहा नहीं मैंने उससे कुछ नहीं कहा लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि वो लड़का हमारे बराबरी का नहीं है और मैं उस गवैये से तुम्हारी शादी हर किस नहीं कर सकता क्यों क्या कमी है उसमें कमी सबसे बड़ी ये है बेटे कि वो हमारी बराबरी का नहीं है मैं इन सब बातों को नहीं मानती अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी बहुत बदतमीज हो गई हो तुम बाबूजी अगर एक कदम भी तुमने इस कमरे से बाहर निकाला तो तुम्हारी दोनों टांगे काट कर रखूंगा मैं चाहे आप मेरी टांगे काटिए या मुझे जान से मार दीजिए मैं शादी करूंगी तो उसी से चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े इस लड़की को सरासी मेरी इज्जत की परवाह नहीं